हेलो क्लास एट स्टूडेंट, हम J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बुक पढ़ रहे थे। ये साइंस की बुक है, इसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम ऑलरेडी आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हम इसे पेज नंबर 67 से कंटिन्यू करेंगे, मैन्यूरिन से। प्लांट्स डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, कंटिन्यूस फॉर्मिंग ऑन द लैंड एग्जॉस्ट द मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। पेड़ पौधे जो होते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं या जो प्लांट्स होते हैं, वो मिट्टी पे ही अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड करते हैं। मींस अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी से लेते हैं। और अगर हम किसी जमीन पे बार बार फार्मिंग कर रहे हैं, एक ही जमीन पे बार बार कंटिन्यूअस हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसमें जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। द सॉइल शुड बी एनरिच्ड विद मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इसीलिए हमें उस सॉइल में मैन्यूर डालना होता है और फर्टिलाइजर्स डालने होते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हेंस यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। तो जब हम फसल काटते हैं और हमें दूसरी क्रॉप लगानी होती है, तो इसके बीच में हम सॉइल में, लैंड में क्या डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, मैन्यूर्स डालते हैं और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। और ये मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स उस सॉइल में सोर्स बनता है न्यूट्रिएंट्स का और मिनरल्स का। मैन्यूर्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल विच सप्लाई ऑल द एलिमेंट्स अ प्लांट नीड्स इन स्मॉल अमाउंट। मैन्यूर्स ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो मिट्टी में क्या ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स डालते हैं जिनकी जरूरत प्लांट को पड़ती है। द मैन्यूर्स एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल विच इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल। जो मैन्यूर हम खेतों में डालते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर होता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है और जो सैंडी सॉइल होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मींस ज्यादा देर तक सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड करके रखती है और जो क्ले सॉइल होती है उसमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैन्यूर्स आर फार्म यार्ड मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूर, कम्पोस्ट, सी मैन्यूर एंड पोल्ट्री मैन्यूर। ये अलग अलग तरह के मैन्यूर होते हैं जो हम मिट्टी में ऐड करते हैं, जो हम सॉइल में ऐड करते हैं। फार्म यार्ड मैन्यूर इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर कॉमनली अप्लाइड टू द सॉइल। ज्यादातर हम फार्म यार्ड मैन्यूर का इस्तेमाल करते हैं सॉइल में। इवन द पुअरेस्ट फार्मर कैन प्रोवाइड दिस मैन्यूर टू द सॉइल। गरीब से गरीब किसान भी इसी मैन्यूर का इस्तेमाल करता है। दिस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ रेमनेंट्स ऑफ स्ट्रॉ, लीव्स एंड अदर मटेरियल लाइक द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल। तो इस फार्मयार्ड मैन्यूर में क्या होता है, इसमें एक्सक्रीटा ऑफ कैटल होता है, मींस गोबर होता है, पत्ते होते हैं, कुछ घास होता है जो भेड़ बकरियों ने चबाया हुआ होता है। तो जो भी हम काउशेड से मटेरियल निकालते हैं, एक्सक्रीटा निकालते हैं, वो सब इस फार्मयार्ड मैन्यूर में मिक्सअप हो जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग और प्लोइंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन टू सॉइल फॉर द पर्पज इम्प्रूविंग फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड ग्रीन मैन्यूरिंग। तो हम खेतों में हल लगाते हैं, गोबर डालते हैं ग्रीन प्लांट्स के लिए, मतलब इसमें क्या होता है, गोबर डालने से, हल लगाने से जो जमीन होती है, जो सॉइल होती है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है और जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक क्लस्टर बीन्स, कॉफी, हॉर्स ग्राम एक्सेट्रा और ग्राउंड एज ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स। तो ये जो क्रॉप्स हैं, जैसे बीन्स हो गए, फलियां हो गई, या हम इन्हें राजमा भी कहते हैं, कॉफी, हॉर्स ग्राम, ये ग्रीन मैन्यूर क्रॉप में आती हैं। कंपोस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैटल शेड वेस्ट एंड ऑल द अवेलेबल रिफ्यूज, ऑल दीज आर प्रॉपरली मिक्स टूगेदर एंड कैन बी यूज एज मैन्यूर आफ्टर रॉटनिंग। तो कंपोस्ट क्या होता है, जो कैटल का एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट निकलता है, भेड़ बकरी जानवरों का जो वेस्ट निकलता है, उसके बाद उसे कहीं पे रखा जाता है, ढेर पे लगाया जाता है, तो उसमें क्या है, काफी बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, वो सड़ना शुरू हो जाता है और उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। फर्टिलाइजर्स आर और इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट आर यूज मेनली टू इंक्रीज द एसेंशियल एलिमेंट इन द सॉइल। अभी हमने पढ़ा कि जो मैन्यूर होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, लेकिन अब हम फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स एड करते हैं सॉइल में। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में इन्होंने क्या दिया है, ये एलिमेंट्स के नाम दिए, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश फर्टिलाइजर। इन्हें हम खाद के तौर पे खेतों में इस्तेमाल
करते हैं. फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर्स, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश. तो ये तीनों जो है एनपीके फर्टिलाइजर्स इन्हें कहा जाता है, जिसमें क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश. तो इन तीनों को हम खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. अदर फर्टिलाइजर्स आर कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट एटसेट्रा. तो सुपर फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम CAN भी कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN कहते हैं, तो ये भी फर्टिलाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल हम करते हैं. द फर्टिलाइजर्स मे बी सेपरेट ऑन द क्रॉप और मे बी एडेड टू द सॉइल. इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम स्प्रे के तौर पे भी करते हैं, मीन्स अगर फसल्स बन जाती हैं तो उस पर हम इन फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करते हैं, या तो हम इन्हें मिट्टी में ऐड करते हैं और वहां से जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं. ए नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ सॉइल पीएच वैल्यूज एसेंशियल बिफोर एडिंग ए फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स एडिड इन एक्सेस कैन काज ग्रेट हार्म. तो जिस भी खेत में, जिस भी मिट्टी में हम इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, हमें पहले उसकी पीएच वैल्यू का पता होना चाहिए. और अगर हम ज्यादा इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये मिट्टी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं. ज्यादा हम इस्तेमाल करने से उस सॉइल को हम डैमेज काज कर सकते हैं. इरीगेशन. Once the seeds or the seedling establish themselves in the field, water is again given in the field. एक बारी जब हम छोटे छोटे पौधे खेतों में लगा देते हैं, उसके बाद हमें उन्हें फिर से पानी देना होता है. This is known as irrigation, और हम इसे irrigation कहते हैं. Water is required for the plants to meet the needs of evaporation and metabolic activities. जितनी भी metabolic activities plants में होती हैं, जैसे photosynthesis, respiration, और भी जितनी सारी chemical reaction होती है plant में, और जो एवोपरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन के फॉर्म में जो वाटर वेपर जो लॉस होता है प्लांट से, इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए प्लांट को वाटर की जरूरत पड़ती है. दिस डिपेंड्स अपॉन द वेदर एंड मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द स्टेज ऑफ द क्रॉप. तो ये किस पर डिपेंड करता है, कितना पानी वो प्लांट ले सकता है, ये तो वहां जहां पे हमने फसल लगाई है उस जगह का जो वेदर होता है, मौसम होता है, और उस सॉइल में कितने मॉइस्चर है, कितनी नमी है, इस पर डिपेंड करता है. वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू सॉइल सीपेज. सॉइल सीपेज के जरिए भी पानी लॉस होता है. स्लो एस्केप ऑफ लिक्विड डीप इन टू द सॉइल, मीन्स धीरे धीरे पानी जो है मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी उस पानी को सोखती है, तो वहां से भी पानी का लॉस होता है. ए क्रॉप शुड बी प्रॉपरली इरीगेटेड फॉर इट्स ग्रोथ. तो फसल को हमें अच्छे से पानी देना होता है ताकि वो फसल अच्छे से ग्रो करे. ए टाइमली इरीगेशन एंश्योर्स ए हाई यील्ड ऑफ द क्रॉप. और अगर हम टाइम टू टाइम उस फसल को पानी देते रहें तो उससे हमारी जो फसल है उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है. ए फील्ड नीड्स टू बी इरीगेटेड विद जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, नाइदर टू लीटर नॉर टू मच. जिस भी खेत में हमने फसल लगाई होती है उसे हमें प्रॉपर अमाउंट में पानी देना होता है, ना ही तो ज्यादा पानी देना होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी नहीं देना है, और इतना कम पानी भी नहीं देना चाहिए कि हमारे पौधों को वो पूरा ना हो. एक्सेस ऑफ वाटर कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. अगर हम उसे पानी जरूरत से ज्यादा देते हैं तो उससे हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, हमारे फसलों को नुकसान पहुंचता है. कंटिन्यूअस वाटर लॉगिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल एंड कैन डैमेज इट. और अगर हम पानी ज्यादा दे रहे हैं, पानी वहां पे जमा होगा, तो पानी के जमा होने से उस मिट्टी में ज्यादा सॉल्ट का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है. सम प्लांट्स लाइक पैडी नीड टू बी पार्शली सबमर्ज इन वाटर एंड आर इरीगेटेड बाय द मेथड ऑफ इंडिविजुअल फील्ड बर्न्स और बेसिन इरीगेशन. कुछ पौधे जो होते हैं, जैसे राइस का कल्टीवेशन हम करते हैं, पैडी लगाते हैं, तो उसके जो प्लांट होते हैं वो पानी में सबमर्ज होने चाहिए, मींस उन्हें उनका जो आधा पार्ट होता है पानी में डूबा हुआ रहना चाहिए. एक्सेस वाटर कैन बी ड्रेन्ड ऑफ इन टू द स्ट्रीम, रिवलेट्स एंड रिवर्स बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल आउटलेट्स. तो जो खेतों में हम फसल लगाते हैं उनको पानी डालते हैं, अगर वो पानी ज्यादा हो गया तो उस पानी के लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए. ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए कि जिससे एक्सेस ऑफ वाटर, जो ज्यादा पानी है, वो वहां से निकल के नदी नालों में मिल जाए. ड्रेन्स आर बिल्ट टू हेल्प द सरप्लस वाटर रीच दी स्ट्रीम्स मोर क्विकली. तो ड्रेन्स बनाई जाती हैं इन ड्रेन्स की मदद से जो ज्यादा पानी हो जाता है खेतों में वो आसानी से नदियों में मिल जाता है.
डू यू नो, क्या आप जानते हो, इन जे एंड के स्टेट एग्रीकल्चर लैंड इज इरिगेटेड थ्रू कैनाल्स, वेल्स एंड टैंक्स, ट्यूब वेल्स, डिंगरी वेल्स, रिवर पूल्स। हमारे जे एंड के में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें जो इरिगेशन होती है उसमें कहाँ कहाँ से पानी जाता है, कैनाल्स के जरिए, ट्यूब वेल्स के जरिए, ट्यूब वेल्स के, टैंक्स के, ट्यूब वेल्स के जरिए, डिंगरी वेल्स बनाए जाते हैं और रिवर पूल्स बनाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल खेतों में पानी डालने के लिए किया जाता है। अबाउट 7,09,795 एकर्स ऑफ लैंड इज इरीगेटेड थ्रू कैनाल। द रीजन वाइज ब्रेकअप इन जम्मू 2,19,778 एकर्स, कश्मीर 4,86,072 एकर्स एंड इन लद्दाख 3,945 एकर्स। तो इतने रीजन में इरीगेशन किया जाता है कैनाल्स के जरिए जे एंड के में और लद्दाख में। इम्पॉर्टेंट कैनाल इन जम्मू आर, अब यहाँ पे जम्मू की कुछ इम्पोर्टेंट कैनाल के नाम दिए गए हैं, ये हम पढ़ेंगे। रणवीर कैनाल, प्रताप कैनाल, कठवा कैनाल, तवी कैनाल, दुधार कैनाल, परगोल कैनाल, उज कैनाल, बसंतपुर कैनाल, रायगढ़ कैनाल एंड रवि कैनाल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं। इन कैनाल्स का इस्तेमाल जम्मू में किया जाता है खेती बाड़ी करने के लिए, इरीगेशन करने के लिए। इम्पोर्टेंट कैनाल इन कश्मीर आर, अब जो कश्मीर की कुछ इम्पोर्टेंट कैनाल्स के नाम दिए हैं यहाँ पे, मर्तन कैनाल, जैनागीर कैनाल, लखोल, पोरू, दाड़ी खोल, लिदर, सुम्बुल खोल, सुरनाग, नंदी खोल, विशु, अवंतीपुरा खोल, लिदर, जैनापुरा खोल, विशु एंड ऋषिपुर कैनाल। तो ये कुछ कैनाल थी कश्मीर रीजन की। इम्पोर्टेंट कैनाल्स इन लद्दाख रीजन, तो यहाँ पे कुछ लद्दाख रीजन की इम्पोर्टेंट कैनाल दी है, चुचोत मयूर, थिकसे मयूर, खंगराल कैनाल, खरबूथंग, जांगला कैनाल, ककसर कैनाल एंड खुरवाथंग कैनाल। तो इन कैनाल का इस्तेमाल जे एंड के और लद्दाख में इरीगेशन के लिए किया जाता है। वीडिंग, वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड्स। तो वीड्स क्या होती हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती है, इन प्लांट्स की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं होती है, तो हम इन्हें उखाड़ के फेंक देते हैं। दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट एंड दस ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप प्लांट के साथ में होते हैं, तो ये कम्पीट करते हैं उनके साथ, उनकी सनलाइट भी लेते हैं, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये वीड्स वहां से लेते हैं और बदले में हमारी क्रॉप्स को कुछ नहीं मिलता है। तो हमारी क्रॉप्स को ना ही तो प्रॉपर सनलाइट मिलती है और ना ही तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल से, तो इन प्लांट्स को हमें वहां से रिमूव करना होता है। तो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स जिन्हें हम वहां से निकाल के फेंक देते हैं। दिस रिड्यूसेस द यील्ड, अगर हम इन्हें नहीं निकालेंगे तो ये हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को कम कर देती है। द वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड आइदर मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ ट्रॉल्स हो और हॉरो और बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। तो इन वीड्स को कैसे हम खेतों से रिमूव करते हैं? या तो हमें इन्हें हाथों का इस्तेमाल करके रिमूव करते हैं, और कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्रॉल्स, खुरपी का इस्तेमाल करके हम इस घास को निकाल के फेंक देते हैं, या तो हम वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, वीड किलिंग केमिकल्स। तो वीडिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन वीड्स को किल करते हैं, खत्म करते हैं। तो वीडिसाइड्स का नाम दिया है यहाँ पे, लाइक 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनो ऑक्सीएसिटिक एसिड एंड सिमाजाइन। तो 2,4-D एंड सिमाजाइन टू ऐसे वीडिसाइड्स हैं जिनका इस्तेमाल वीड्स को किल करने के लिए किया जाता है। देयर आर सम स्प्रेइंग अप्लायंसेस इन यूज टूडे टू अप्लाई दीज केमिकल्स। तो इन केमिकल्स का छिड़काव करने के लिए कुछ अप्लायंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो यहीं तक, इस चैप्टर को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।